नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ संध्या। जब कोई व्यक्ति जेल से छूटता है तो उसके परिवार वाले खुशियां मनाते हैं, पर जब कोई बदमाश या गैंगस्टर जेल से छूटता है तो उसके परिवार वाले या उसके चाहने वाले उसका स्वागत इस तरह से करते हैं, इतनी धूमधाम से करते हैं जैसे वो कोई बहुत बड़ा काम करके आ रहा हो। ऐसा ही एक मामला दिल्ली कैंट के थाना इलाके की पुलिस को मिला है, जहां एक गैंगस्टर, एक बदमाश जेल से छूटा और उसके चाहने वाले, उसके साथी सड़कों पर हुड़दंग मचाते हुए दिखाई दिए, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया और एक इंसान जो जेल से छूटा उसके साथ 83 लोगों को फिर से जेल में जाना पड़ा। देखिए क्या कहा डीसीपी मनोज सिंह ने। हमारा पास कल एक इन्फॉर्मेशन आई थी, आबद नाम के एक बीसी है, वो तिहाड़ जेल से रिलीज होके आने वाला है। उसको रिसीव करने के लिए कुछ और बदमाश लोग और बीसी से आएंगे, वहाँ उनको रिसीव करके गाड़ी में लेके जाएंगे। ये बीसी है गोविंदपुरी की, साउथ ईस्ट के जो एरिया में, और हमारे पास ये इनपुट के हिसाब से हमने पिकेट, एक इमरजेंसी पिकेट लगवाया है। चेकिंग के दौरान इनकी गाड़ी सारी पकड़ा गया है। टोटल 19 फोर व्हीलर्स हमने पकड़े हैं, 2 टू व्हीलर्स पकड़े हैं, और टोटल लड़के इसमें थे 84 है, एक जुवेनाइल है और 83 है जो बाकी मेजर, मतलब जो पकड़े गए थे, और इनके सभी की हमने प्रिवेंटिव एक्शन अभी लिया है, बाकी कार्रवाई चल रही है। अभी तक इनकी पूछताछ चल रही है, बट अभी तक हमारे पास जो फिगर आई है 33 लोगों की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, यानी ऑलरेडी इनकी मुकदमे हैं। बाकी भी हम चेक कर रहे हैं इनकी, हमारे पास जो डेटाबेस है उसे चेक कर रहे हैं, किसी और की कोई इन्वॉल्वमेंट है कहीं है या यहाँ नहीं है तो फिर कहीं और स्टेट में है, वो भी चेक कर रहे हैं। फोर व्हीलर्स थे, 19 फोर व्हीलर है, वीआईपी गाड़ी तो मैं ये कहने सकता हूँ, बट फोर व्हीलर्स थे और इनको रिसीव करने के लिए गए थे और वापस आने के टाइम में थोड़ा शोर शराबा करके पब्लिक न्यूसेंस करते हुए आ रहे थे। तो हमारे पास यही भी इनपुट भी था और हमने उसी हिसाब से पिकेट लगा के इनको पकड़ा दिया। एपी के तो कोई हम बता नहीं सकते हैं, और इसमें जो 83 है वो जो भी वाहन थे मौजूद थे, हमने अरेस्ट किया है। आपराधिक मुकदमे प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट 33 लोग के ऑलरेडी है, वो भी हम चेक कर रहे हैं अभी। इन लोगों को कोर्ट में कब पेश करेंगे? कोर्ट में अभी ऑलरेडी पेश होना शुरू हो जाएंगे, और काफ़ी लंबा फिगर है तो फिर टाइम उस हिसाब से लगेंगे।